भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो गाड़ियों का यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है भाई। एक है टोयोटा ग्लेंसा और एक है मारुति सुजुकी ब्रेजा, एज यू कैन सी। और भाई वो कुछ भी कह लो, कुछ भी बता लो भाई, दोनों ही सेम मॉडल है। अभी भाई 2022 में जो है वो थोड़ा चेंजेस इन दोनों में कर दिया गया है, पर इंजन कैपेसिटी आप देख सकते हो दोनों की सेम है। 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 88 BHP की पावर एंड 113 Nm टॉर्क। और BS4 मतलब सबसे ऊंचे वाला जो टॉप मॉडल है दोनों गाड़ियों का, वो को मॉडल ले रहा है ऑटोमेटिक है। गियर बॉक्स देख लो, कुछ भी देख लो भाई, सारी चीज़ें सेम मिलेगी भाई। मॉडल भी सेम थे। अभी आप अगर इनका 2021 वाला एडिशन देखोगे ना भाई, गूगल पर सर्च मार कर देख लेना भाई, दोनों में कोई बिल्कुल सेम लगती है भाई। मैंने एक दिन रोड पर देखी और ये ग्लेंसर जा रही थी, मैं कह रहा है कि यार इसने टोयोटा वालों का सिंबल क्यों लगा रखा है, फिर देखा उस पर ग्लेंसर लिखा हुआ था यार। ठीक है भाई, कुछ भी देख लो, देख लो सारी चीज़ें सेम है। डिक्स डिक्स भाई, यहाँ तक कि माइलेज सेम है यार। तुम ये तो देखो, माइलेज सेम है भाई, पावर इलेक्ट्रिक भाई, स्टेयरिंग कोई नहीं दिक्कत की बात नहीं, दोनों मतलब पावर स्टेयरिंग है, वो इलेक्ट्रिक लिख दिया सुजुकी वालों ने, उनका कुछ होगा भाई। टॉप मॉडल है, टॉप वेरिएंट है। और भाई डेल्टा वेरिएंट मारुति सुजुकी जो ब्लेंडर, उसमें डेल्टा वेरिएंट आता है एक, वो काफ़ी अच्छा है। और इसमें एक MTV, वो कौन सा शायद, ये देखो चलो भाई, इंटीरियर अलग है अपना, एक्सटीरियर भाई, इंटीरियर एक्सटीरियर में तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। पर आपको बस अब की बार जो करा है ना भाई, सारी कंपनी ने ठीक कर दिया कि भाई हर कोई सा भी मॉडल ले लो, उसमें AC और हीटर आएगा ही आएगा, पावर स्टीयरिंग भी आएगा ही आएगा, और फ्रंट विंडो जो है वे पावर विंडो ही रहेगी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। ये काफ़ी अच्छा लगा भाई, लो मॉडल हो या कोई सा भी मॉडल हो, उसमें सब कुछ चेंज रहेगा भाई, हीटर सभी में मिलने वाला है, ये ऐसी कोई बात नहीं। बस इंटीरियर एक्सटीरियर में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत LED में फ़र्क हो सकता है भाई। अभी इन्होंने जो किया है ना, वो इन्होंने थोड़ा वेरिएंट्स में चेंज किया है और कुछ नहीं किया है बस, और थोड़ा डैशबोर्ड मतलब मॉडल थोड़ा मतलब अलग कर दिया है। ठीक है, पहले बिल्कुल सिमिलरिटी, कोई डिफरेंट नहीं था भाई। अगर सामने से दोनों खड़ी कर देते ना, ग्लेंजा और ब्लेनो, तो भाई पहचानना मुश्किल हो जाती थी, बस सिंबल उनका हाइड करना था और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी भाई, पहचाननी मुश्किल हो जाती थी भाई भाई। और तो म्यूजिक वगैरह सिस्टम में थोड़ा बहुत तो चेंज हो सकता है भाई, थोड़ा बहुत चेंज। ठीक है, और रियर फ्रंट सारी चीज़ें सेम है इसमें, दोनों के टॉप वेरियंट ले रखे, हालांकि प्राइस तक भी सेम है दोनों के मॉडल के। ठीक है, इस मारुति सुजुकी ब्लेनो अल्फा AMT 9.5 लैक्स में आ जाती है, और यहाँ तक कि VAMT ग्लेंजा भी जो वेरिएंट बताया मैंने, VAMT भाई, ये भी 9.5 लाख का ही आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। दोनों में कंपैरिजन करने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ था, और वो था कि भाई इनकी सिमिलैरिटी दिखाने का, क्योंकि काफ़ी हद तक ये कितनी सिमिलर है कार्स। ठीक है, तो दोनों ही कार्स काफ़ी हद तक सिमिलर है, बहुत मतलब इंजन और भाई RPM और न्यूट्रल मीटर, तो भाई टॉर्क देख लो, कुछ भी देख लो भाई, सारी चीज़ें इसमें सेम है। बस कुछ चीज़ें इंटीरियर को छोड़कर कुछ चीज़ें कहूँगा कि मैं सेम नहीं है, हालांकि वेट वेट भी सेम है, और वेट भी लगभग काफ़ी सेम है, बस 13 किलोमीटर का शायद 13 है या हाँ 13 या 14 के आसपास थोड़ा सा देख सकते हैं वेट भाई, 14-15 किलो वेट क्या देखना है भाई। ठीक है, वो तो हो ही जाता है वेट का, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भाई क्या बताऊँ, बिल्कुल सिमिलर है, ये देखो भाई, ड्राइवर पैसेंजर एंड साइड सीट फ्रंट, पता नहीं क्या क्या भाई, देखो सारी चीज़ें सेम है फिलहाल तो, और कुछ है नहीं। रुको भाई, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ, पहले भाई ब्लेनो ले लेते हैं एक बार, ब्लेनो को देख लो, देखते हैं भाई, ये देखो भाई अपनी ब्लेनो आ गई है, तो इसकी कुछ इमेजेस देखते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो भाई पावर वगैरह तो मैंने सब बताया थी, 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन, डेट इज़ प्रोड्यूस 88 BHP एंड 113 Nm टॉर्क। एंड भाई देखो भाई, यहाँ पर 2022 का जो मॉडल है, ये वो एडिशन निकाला है इसने, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए, वरना भाई मैंने बताया ना 2021 में जो दोनों वेरिएंट्स थे, ग्लेंसा ले लो या ब्लेनो ले लो, काफ़ी हद तक सिमिलर थे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सिमिलर थे और अब भी है भाई, अब भी कहाँ, अब पीछे से तो सिमिलर ही लगते हैं, आगे से थोड़ा चेंज कर दिया मॉडल, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पर काफ़ी हद तक आज भी सेम ही है भाई, प्राइस से लेकर इंजन कैपेसिटी से लेकर। एक मिनट मैं ग्लेंसा खोलता हूँ भाई, ग्लेंसा किधर आएगी, अपना ये टोयोटा का सिंबल कहाँ गया भाई, आ जाओ यार, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा टोयोटा का सिंबल किधर गया यार, ऐसे मत करो यार, वेयर इज़ टोयोटा सिंबल, मतलब कहाँ है यार भाई, भाई मेरे को सच में नहीं, अच्छा ये रहा यार, मैं अभी कहाँ कहाँ खोल रहा हूँ भाई, ग्लेंसा किधर है अपनी, आ जाओ जल्दी, और ये दे रही भाई, देखो ग्लेंसा भाई, प्राइस देखा है क्या आपने, बिल्कुल सेम है प्राइस, बस थोड़ा सा मैंने बताया था ना भाई, थोड़ा सा लगभग 30,000 का फर्क है इसमें, और कुछ दिक्कत की बात नहीं भाई, काफ़ी हद तक सेम है। ये देखो भाई आगे से थोड़ी डिफरेंट कर दिया इस वाले, वरना भाई पीछे से अगर मैं देख करूँ तो बैक लुक की बात करूँ तो बिल्कुल क्लासिक लगता है, जैसे क्लासिक ब्लेनो है, बिल्कुल सिमिलर है, उसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, पर देख सकते हो तो भाई आगे से थोड़ा ये वाली भी गजब लग रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं, पर मेरे ये समझ में नहीं आया भाई कॉपी कैसे कर लिया भाई,
भाई 2020-21 में बिल्कुल सिमिलर थे मॉडल, और टोयोटा वालों ने मेरे हिसाब से कॉपी किया, क्योंकि ब्लेनो काफ़ी दिनों से मार्केट में थी और काफ़ी अच्छा दौर रहा है ब्लेनो का। ठीक है, आप देखते हो काफ़ी अच्छी भाई, 8 लाख में, 8 साढ़े 8 लाख में जब ये निकाली थी पहले पहले में भाई, इतनी सेल हुई क्या भाई, पूरी सेल उठी इसकी, मतलब कोई डाउन का कोई दिक्कत ही नहीं थी इसकी, डाउन ही नहीं हुई सेल। अब आने के बाद थोड़ी हल्की हो गई है क्योंकि इन्होंने ब्रेजा निकाल दिया, ब्रेजा भी काफ़ी हद तक सेम प्राइस में आ जाती है जैसे ब्लेनो 8.5 लाख के आ रहे, तो कोई नहीं अपने 10.5 लाख में ब्रेजा आ रहे हैं, तो ब्रेजा को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्लासिक लग रही है ब्रेजा भी, काफ़ी अच्छी लग रही है। खैर यहाँ पर ब्रेजा पर हम नहीं जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये डेल्टा मॉडल था भाई इसका, मैंने बताया था डेल्टा मॉडल काफ़ी अच्छा है, तो 8.5 लाख के आसपास ये पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर खर्च करने हैं तो पैसे ठीक चीज़ पर करो ना भाई, डेल्टा ठीक है, बाहर से अगर कुछ करवा लो, मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा पैकिंग या एक्स्ट्रा कुछ भी करवाना है तो भाई, रैप वगैरह करवाना है तो बाहर से आकर करवा दो, या फिर आपको अलाउ भी लगाने में भी बाहर से भाई, अगर इनके अलाउ भी लगाओगे ना तो भाई खमा खा आपको ठग लेंगे, तो इसलिए मैंने आपको डेल्टा बताया है। मारुति सुजुकी ब्लेनो का डेल्टा देख लो आप, क्या ही मतलब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 7.5 लाख से भी कम। एज़ यू कैन सी गाइस, इट विल कम इन 7.33 लैक्स ओनली। भाई क्या बैठते हैं आज के ज़माने में, जैसे महंगाई का दौर है, इन्फ्लेशन रेट भी भाई काफ़ी अच्छी चल रही है, तो और कुछ रहा नहीं है भाई, ग्लेंस अपनी जगह ठीक है और ब्लेनो अपनी जगह ठीक है। ठीक है, तो आप लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो भाई, मेरे सब्सक्राइबर्स पर मत जाना। ठीक है भाई, एक्सपीरियंस फुल है, यूट्यूब पर भी मैं पुराना भाई, 4 साल हो गए मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाते।